एचसीएफ एलसीएम के। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, सबको बेटा चैट बॉक्स में आंसर लिखने हैं इसके और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आज। जो क्वेश्चन देखो बेटा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, इफ एलसीएम ऑफ द टू पॉलीनोमियल्स, इफ एलसीएम ऑफ द टू पॉलीनोमियल्स, एलसीएम ऑफ द टू पॉलीनोमियल्स। बेटा आपको यहाँ पर पॉलीनोमियल्स दिए हुए हैं, टू पॉलीनोमियल्स देखना बेटा। ये आपको पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। एंड दूसरा हमारे पास पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट और साथ में है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सिक्स। ये आपका दूसरा पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। इज अवेरा, इनका आपको एलसीएम दिया है दोनों का, इज आपको एलसीएम दिया हुआ है एक्स एक्स प्लस वन, एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर। ये पूरा एलसीएम दिया है दोनों दोनों पॉलीनोमियल्स का, ये आपका एलसीएम है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है देन फाइंड के, आपसे पूछा है देन फाइंड के, मतलब इसमें के की वैल्यू क्या होगी, आपको के निकालना है। तो बेटा आप सब जरा करो, सब बेटा ट्राई करो और बताओ बेटा। बेटा एंजल आपका आया क्या आंसर? देखो बेटा यहाँ पर देखो बेटा कैसे करेंगे। देखो बेटा इफ एलसीएम ऑफ द टू पॉलीनोमियल्स, सपोज बेटा इसको आप एफ एक्स मान लो, हमने हमने बेटा इसको मान लिया एफ एक्स, ओके। बेटा इसने आपको देखो, आपने एफ एक्स मान लिया, इसको एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और साथ में इसके मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ओके बेटा। थोड़ा पहले बेटा इसको आप सॉल्व कर लो, मतलब इसके आप फैक्टर्स कर लो बेटा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, यहाँ से आप एक्स कॉमन निकाल लो बेटा, अंदर कितना बच जाएगा एक्स प्लस थ्री बच जाएगा और इसके आप बेटा इसको आप मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपको इसके फैक्टर मिल जाएंगे एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। जब इसको आप मिडिल टर्म से ब्रेक करोगे तो आपको इसके फैक्टर मिल जाएंगे एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ओके बेटा। इतना समझ में आ गया? अब सपोज मेरा बेटा इसको मान लिया कुछ फंक्शन जी एक्स, मैंने इसको बेटा माना जी एक्स, तो जी एक्स इक्वल, देखो मेरे को यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट बेटा, साथ में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सिक्स, ओके। देखो जरा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट बेटा, इसके आप फैक्टर कर लो। देखो एट है तो फोर टू, मतलब ये आपको मिलेगा एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस टू मिल जाएगा बेटा, ठीक है। अब बेटा ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सिक्स है, अभी इसको आप ऐसे कैसे लिख दो क्योंकि आपने के पता नहीं है, आपको बेटा के इसमें फाइल करना है। यहाँ पर लिखो बेटा कि इनका एलसीएम क्या है। देखो इनका एलसीएम बेटा आपको क्या दिया हुआ है, आपको बेटा एलसीएम देखो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर। देखो बेटा आपको यहाँ पर एलसीएम देख के यहाँ पर करना है सॉल्व कि यहाँ पर के की वैल्यू पॉसिबल क्या होगी। बेटा एलसीएम हम कैसे निकालते हैं कि आप एलसीएम, बेटा एलसीएम में आप कैसे निकालते हो, सारे फैक्टर लेते हो और बेटा कौन से जो ग्रेटेस्ट होते हैं बेटा वो आप इसमें कॉपी करते हो। एचसीएफ में आप क्या लेते हो, लीस्ट कॉमन, इसमें आप लेते हो ग्रेटेस्ट और सारे फैक्टर्स। तो देखो बेटा हम देखते हैं, देखो बेटा एक्स है तो देखो बेटा एक्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक्स तो हो गया कंप्लीट, ये तो आपका हो गया। एक्स प्लस वन देखो बेटा इसमें है एक्स प्लस वन, ठीक है, ये भी आपको मिल गया। अब देखो बेटा यहाँ पर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, बट देखो बेटा यहाँ, देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ यहाँ केवल आपको एक्स प्लस टू मिल रहा है, तो कहने का मतलब क्या बेटा, यहाँ आपको फिर आपको इस पूरे में आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ आपको बेटा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर मिलना चाहिए, तभी बेटा यहाँ आपको मिलेगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। इतना समझ में आएगा बेटा, क्योंकि एलसीएम हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्स प्लस टू, तो बेटा यहाँ आपको मिलना चाहिए इस पूरे में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तब आपका यहाँ पर एक्स प्लस टू आएगा होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा, यहाँ आपको देखो बेटा वन टाइम तो मिल रहा है एक्स प्लस टू, मतलब आपको इसमें से भी आपको यहाँ पर भी आपको एक एक्स प्लस टू मिलेगा, तभी बेटा आपका ये बनेगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स प्लस टू कैसे आएगा, ये बेटा सिक्स है, सिक्स को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो थ्री और टू में, तो बेटा इसके फैक्टर पॉसिबल क्या होंगे, इसके पॉसिबल फैक्टर बेटा हो जाएंगे एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू, होगा बेटा होगा, मतलब तो बेटा यहाँ पर के मतलब कितना आएगा, जरा इसको आप करके देखो सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, मतलब ये आपका मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स,
मतलब आपके आप कितना मिलेगा बेटा, 5 मिलेगा, ऐसा आप लगाओगे अंदाजा। समझ में आया क्या चिन्मय और एंजल ऐसे करना है बेटा? समझ में आया क्या? हमने यहाँ पर लगाया अंदाजा, दोनों को समझ में आया? एक चीज समझ में नहीं आई कि सर फर्स्ट मतलब फर्स्ट अपन ने टर्म लाइक फर्स्ट जो अपन ने fx लिया उसमें अपना एलसीएम आया x x plus 3 x plus 1 and x plus 2 सेकंड अपन ने करा x plus 4 x plus 2 और उसको सेम का सेम टर्म कर दिया ठीक है। तो सर एलसीएम तो दोनों में टोटली सर, तो सर इसमें ये टोटल आना चाहिए ना x x plus 1 तो सर x plus 3 तो मिसिंग है ना। x plus 3 यहाँ पर आ गया, देखो बेटा ये आ गया ना x। देखो बेटा LCM का मतलब क्या होता है कि आपको इसमें सारे फैक्टर्स कॉपी करने पड़ते हैं विद ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स करते हैं बेटा अपन, जो ग्रेटेस्ट पावर हो वो अपन कॉपी करते हैं। तो मैं इसी पर तो आपको बेटा ये कर रहा हूँ एक्सप्लेन। बेटा यहाँ से देखो बेटा आप केवल LCM को कंपेयर करो बेटा। देखो फर्स्ट टर्म आपकी x थी बेटा, देखो आपको x यहाँ से मिला तो आप x यहाँ पर लिख दोगे, आराम से लिख दोगे। x plus 1 था, देखो बेटा यहाँ आपको मिल रहा है x plus 1 मिल रहा है तो आपका बेटा यहाँ भी आ जाएगा। अब इस पर ध्यान दो बेटा, ये x plus 2 का होल स्क्वायर है बेटा। देखो x plus 2 का यहाँ पर होल स्क्वायर कब आएगा? जब इनमें से कहीं आपको x plus 2 का मिले होल स्क्वायर। बेटा देखो ये तो आपका fx तो पूरा पूरा है तो यहाँ तो आपको एक बार ही मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि x plus 2 का होल स्क्वायर बेटा आपको gx में कहने का मिलेगा x plus 2 का होल स्क्वायर, तो ये बेटा आपको यहाँ पर आएगा। अब आपका एक बार तो आ रहा है x plus 2 बेटा, दूसरा आपको x plus 2 कहाँ से मिलेगा बेटा? इसमें से मिलेगा। अब इसमें से कैसे मिलेगा? यदि आप 6 के फैक्टर देखो, 6 के फैक्टर में 3 और 2 होंगे तो आपने माना तो बेटा इसको अपने लिख दिया इस तरीके से, यदि x plus 3 x plus 2 हो तो बेटा यहाँ से देखो आप इसको जरा सॉल्व करो बेटा, आप मिल रहा है आपको इस फॉर्म में। यहाँ से देखो आप बेटा अब कितना आपका 5 पॉसिबल है, तब यहाँ से आपको मिलेगा x plus 2 का होल स्क्वायर। बाकी बेटा आप देख लो x plus 3, देखो x plus 3 है, x plus 4 भी है, तो यहाँ k का वैल्यू बेटा कितना पॉसिबल है? k इक्वल टू 5 पॉसिबल है। अब समझ में आया क्या बेटा? कैसे देखा हमने, अब समझ में आया क्या बताओ जरा? यस सर, आया समझ में सब के राउंड? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, सब ट्राई करना दोबारा, चैट बॉक्स में लिखना आंसर। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? देखो इफ x plus 2 x plus 5 बेटा, ये आपको SCF दिया हुआ है, x plus 2 x plus 5 ठीक है, इज द SCF, इज द SCF बेटा, ये आपका SCF है। यहाँ बेटा मैं लिख रहा हूँ, दो आपके पास पॉलीनोमियल्स हैं, मतलब एक को मैंने बोल दिया fx, आपको बेटा fx दिया हुआ है फर्स्ट पॉलीनोमियल, ये आपको दिया हुआ है x plus 2 x plus 2, साथ में बेटा इसके ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है x square plus 6x plus a, x square plus 6x plus a बेटा, आपको जी एक्स दिया हुआ है दूसरा पॉइनोमियल, जी एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है x प्लस 5 ठीक है ना, x प्लस 5 और साथ में है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस बी। तो बेटा इसमें आपसे पूछा है कि a और b की वैल्यूज क्या होंगी, तो चैट बॉक्स में लिखो और सब ट्राई करो और बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। बेटा सब ट्राई करो उसको। बेटा आपको एस सी एफ दिया हुआ है x प्लस 2 x प्लस 5 ठीक है ना, ये आपका बेटा फर्स्ट पॉलीनोमियल है और ये आपका दूसरा पॉलीनोमियल है, इसमें आपसे पूछा है a और b की वैल्यू क्या होंगी। बेटा चैट बॉक्स में लिखो सब ट्राई करो उसको, व्हाट इज द बेटा सब करो, ये आएगा 5। देखो कैसे करना है बेटा, एकदम फिक्स मेथड है, हमेशा वही अप्लाई करो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया है, a आएगा 5 और b आएगा 12। देखो बेटा कैसे आएगा, देखो बेटा हमने लास्ट क्लास में सीखा था बेटा SCF है, तो SCF का मतलब क्या है? जैसे बेटा ये आपका x plus 2, तो बेटा x plus 2 आपका fx में भी होना चाहिए और x plus 2 आपका gx में भी होना चाहिए, तभी बेटा आपका यहाँ पर आएगा x plus 2। बेटा हम जानते हैं SCF का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन, क्योंकि बेटा आप इसमें लीस्ट देखते हो साथ में आपका कॉमन भी होना चाहिए ना, पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या हम? इसमें आपका जैसे x plus 2 फैक्टर है तो बेटा ये आपका fx में भी होना चाहिए और gx में भी होना चाहिए। अब बेटा आपका x plus 2 जो है बेटा वो आपका fx में तो है बट ये आपका gx में नहीं है, बट आपका x plus 2 gx का फैक्टर भी होना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, देखो सिंस x plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ, तो बेटा देखो वो फैक्टर किसका होगा? बेटा देखो x plus 5 तो है ही, तो बेटा वो x plus 2 फैक्टर किसका होगा? बेटा इसका होगा ना, किसका होगा? इज अ फैक्टर ऑफ x square plus 8x plus b होगा बेटा। अब इसमें आप अप्लाई कर दो फैक्टर थ्योरम, जब ये इसका फैक्टर तो आप क्या बोल सकते हो, इसमें आप x equal to -2 पुट कर दो, मतलब इसमें -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर
प्लस एट माइनस टू प्लस बी, बेटा क्या कर दें, जीरो के इक्वल कर दें, सॉल्व कर दो, तो कितना आ जाएगा, फोर माइनस का 16 प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो बेटा बी कितना आ गया, बी इक्वल टू 12 आ गया। अब समझ में आएगा बेटा सबको, सबको समझ में आया कि कैसे कर रहे हैं, बताओ आप जरा, समझ में आया नहीं आया अप्रोच, सबको आया? हाँ चिन्ह में समझ में आया? यस सर। कैसे किया? ठीक है बेटा, आप ध्यान दो। किया क्या? हाँ बेटा पूछ, मैंने तो कुछ अलग तरीके से किया, मैंने तो कुछ अलग तरीके से किया। सबको समझ में आया क्या बेटा, तो पूछना हो तो, सबको समझ में आया? तो बेटा SCF में आपको ये कांसेप्ट अप्लाई करो हमेशा, ये वाला फैक्टर वाला, तो इससे आप कहीं भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। सबको समझ में आया क्या बेटा? कोई बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एक आपको बेसिक क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ बेटा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सपोज बेटा कहीं आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए। हाँ बेटा सर हमको करना है क्या? नहीं नहीं देखो बेटा ये मैं आपको डिस्कस यहाँ पर करते हैं, सॉल्व करते हैं, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, फिर नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दूंगा। ये बेटा जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बोल दिया सिंप्लीफाई, क्वेश्चन में बोल दिया सिंप्लीफाई द रेशनल एक्सप्रेशन, क्वेश्चन में आपसे बोल दिया सिंप्लीफाई द रेशनल एक्सप्रेशन, ये बेटा आपसे बोल रखा है कि आपके पास एक रेशनल एक्सप्रेशन है बेटा, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। देखो बेटा आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन, वन अपॉन एक्स प्लस पी प्लस वन अपॉन एक्स प्लस क्यू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस आर प्लस फिर हमारे पास है पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, फिर हमारे पास है क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस फिर हमारे पास है आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स। ये सपोज आपसे बोलता है कि सपोज आपको ये सिंप्लीफाई करना है, तो बेटा इसमें देखो आपको जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में, तो बेटा इसमें क्या पूछना, कुछ ट्रिक अप्लाई होती है। देखो ट्रिक यहाँ पर क्या अप्लाई होगी, देखो पहले आप क्या करो बेटा, फिर उसको अपन सॉल्व करते हैं। क्या करो पहले आप इन तीनों टर्म को तो ऐसी कॉपी कर दो जो आपके बेटा ये है, क्या वन अपॉन एक्स प्लस पी। सर रीजन क्या की कॉपी कर दो बताता हूँ, देखो आपको आगे रीजन समझ में आएगा। पहले देखो जरा वही आपको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक्सप्लेन, जरा पहले इसको आप करो बेटा। यहाँ पर मैं क्या करूँ बेटा, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, एक्स कॉमन निकाल दूं क्या यहाँ से, अपने बताओ क्या बचेगा बेटा, एक्स प्लस पी बचेगा एक्स प्लस पी। ऐसे ही इसको करो बेटा, यहाँ से आप एक्स कॉमन निकालो तो कितना आ गया, एक्स प्लस क्यू आ गया। यहाँ से देखो बेटा ये आर है, कितना बचा, एक्स अपॉन एक्स प्लस आर। आपको समझ में आएगा बेटा अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको? अब किसी को समझ में आया क्या, जरा बताओ मुझे कि अपन इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कैसे बना लो इसका पेयर फॉर्म कर लो बेटा। आप समझ में आया चिन्ह में मैंने ऐसा क्यों किया, इसका पेयर बना लो और इसका पेयर बनाओ, तो उससे आपको सॉल्व इजीली हो जाएगा। देखो तो क्या करते हैं बेटा, वन अपॉन एक्स प्लस पी, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वन अपॉन एक्स प्लस पी और कौन सा ये वाला पी अपॉन एक्स एक्स प्लस पी, इसका पेयर फॉर्म कर लो। ठीक है आगे बढ़े, फिर कौन सा पेयर फॉर्म करो बेटा, ये एक्स प्लस क्यू वाला वन अपॉन एक्स प्लस क्यू और प्लस ये वाला क्यू अपॉन एक्स एक्स प्लस क्यू। ठीक है ये अपन पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और थर्ड आपका पेयर कौन सा आ जाएगा, ये वन अपॉन एक्स प्लस आर प्लस आर अपॉन एक्स एक्स प्लस आर। ठीक है बेटा ये अपन ने पेयर फॉर्म कर ली। अब बेटा इन तीनों का अलग अलग सॉल्व करो सेपरेटली। बेटा यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा एक्स और एक्स प्लस पी आ जाएगा बेटा। तो देखो यहाँ अपने पास क्या आएगा, ये एक्स आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस का पी आ जाएगा। कुछ आया क्या समझ में, क्या सॉल्व कर रहे हैं बेटा? ठीक है ये एलसीएम कितना आएगा बेटा, एक्स एक्स प्लस क्यू आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से आ जाएगा एक्स और यहाँ से आ जाएगा क्यू। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा एक्स और साथ में एक्स प्लस आर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स और यहाँ से आ जाएगा आर आ जाएगा क्या। ठीक है ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, बेटा क्या बच गया मेरे पास, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री अपॉन एक्स, दिस इज द आंसर। तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई किया है। समझ में आएगा बेटा, समझ में आऊ, सबको आंसर देना है चैट बॉक्स में होगा उसका आंसर क्या आएगा। जरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको दे रखा है,
आपको बेटा SCF दिया हुआ है, बेटा वही सेम क्वेश्चन है SCF वाला। आपको SCF दिया हुआ है x प्लस फोर, फैक्टर दिए हैं x प्लस फोर, x माइनस टू, x प्लस वन, x माइनस टू, x प्लस वन, ये आपको SCF दिया है। इसके लिए बेटा आपको दो पॉलीनोमियल्स दिए हुए हैं fx और gx। बेटा आपको fx दिया हुआ है fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, साथ में आपको एक और दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। बेटा आपको gx दिया है, gx इक्वल टू, बेटा आपको gx दिया हुआ है, gx इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और साथ में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस b, ओके बेटा ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा है देन इसमें आपसे पूछा है एक और बी की वैल्यूज के आपको बेटा ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दिया मतलब बेटा ए कॉमा बी की फॉर्म में दिए वैल्यूज। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3 माइनस 4, बी ऑप्शन दिया है माइनस 3 माइनस 4, सी ऑप्शन दिया हुआ है माइनस 3 कॉमा 4, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 3.4। तो बेटा आपको चैट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी डी में से, बेटा ये आपको चैट बॉक्स में लिखना है बेटा। या कराना है सॉल्व, आंसर डी आएगा बेटा, आ गया सर, आ गया, ए को आएगा 3 और बी आएगा 4, सबको आया बेटा, ठीक है ना। मतलब बेटा ये आपका होगा 3, ठीक है ना बेटा, ये आपका हो जाएगा 4, ए आएगा 3 और बी आएगा 4, ठीक है बेटा। कराना है क्या सॉल्व, बताओ जरा, सबको आ गया? नो सर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसमें बताना आपको आंसर। तो इधर बड़ा ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसका चैट बॉक्स में लिखना बेटा आंसर क्या होगा। द एससीएफ ऑफ द पॉलीनोमियल्स, क्वेश्चन देखो, द एससीएफ ऑफ द पॉलीनोमियल्स, द एससीएफ ऑफ द पॉलीनोमियल्स पीएक्स एंड क्यूएक्स, एससीएफ ऑफ द पॉलीनोमियल्स px and qx, px and qx is, बेटा आपको ये दिया हुआ है is आपको बेटा scf दिया हुआ है 6x 6x minus 9, 6x minus 9 ये आपको scf दिया हुआ है। then आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है px and qx could be, बेटा इसके ऑप्शन दिए हुए हैं px and qx could be, मतलब px और qx क्या पॉसिबल है इसके अकॉर्डिंग, कोट बी। इसका बेटा ए ऑप्शन दिया है आपको 3, बेटा चैट बॉक्स में लिखना आंसर, कोई बोलेगा नहीं, 2x माइनस 3, बी ऑप्शन दिया हुआ है 12x माइनस 18, 12x माइनस 18, ये 12x है बेटा, 12x माइनस 18 कॉमा 2, मतलब ये बेटा ये आपको px qx की फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन दिया हुआ है 3, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो आपका px है, और ये अपने पास है, एक मिनट रुको मुझे लिखने दो, 6 2x माइनस 3, और d ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3, 2x माइनस 3, और 6 2x प्लस 3, 6 2x प्लस 3, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है आपको। अब बेटा सब होगा, आप क्या करो बेटा, यहाँ से 3 कॉमन लो, तो कितना 2x माइनस 3, मतलब ये बेटा आपका 3, और ये आपको बेटा बेटा आपके दोनों में होने चाहिए, तो बेटा अपने पास ये एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें देखो आपके दोनों में ये आपका 3 और 2x माइनस 3 आ रहा है, तो बेटा आपका s, तो इसमें आपका px qx ये पॉसिबल है। सबको समझ में आया बेटा क्वेश्चन, इजी था ना, ठीक है सबको समझ में आया बेटा, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। यस सर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर देना, मैं आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा क्वेश्चन देखना बेटा, पास जो क्वेश्चन देखो आपके पास है बेटा, वो आपको SCF दिया हुआ है, ठीक है देखो, देखो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, आपको SCF दिया हुआ है x plus 3 और x minus 3, x plus 3, x minus 3, बेटा ये आपको SCF दिया हुआ है, आपको यहाँ पर fx gx दिए हुए हैं, ठीक है देखो बेटा आपको fx दिया हुआ है x plus 3, x plus 3, और साथ में है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस a, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस a, ठीक है। और बेटा gx लिख रहा हूँ,
बेटा आपको जी एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री, जी एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री और साथ में है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस बी, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसमें आपसे बोला है देन ए प्लस बी इक्वल टू, देन ए प्लस बी इक्वल टू, इसमें बेटा ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है थ्री, बी ऑप्शन है माइनस फिफ्टीन, सी ऑप्शन है माइनस थ्री और डी ऑप्शन है 15। तो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ये आपको चैट बॉक्स में लिखना है। बेटा सब सॉल्व करो बेटा और बताओ व्हाट आपका एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री इसका फैक्टर भी होगा, तो मतलब बेटा आप क्या बोल सकते हो कि आप क्या बोलोगे कि एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ, बेटा ये बोल दोगे इज अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस ए, बेटा इसमें आप पुट कर दो एक्स इक्वल टू थ्री, तो अपन पुट करते हैं, तो बेटा पुट कर दो थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस सेवन मल्टीप्लाई थ्री माइनस ए इक्वल टू, जो बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा 27, तो ये हो गया माइनस 21 माइनस ए इक्वल टू जीरो, बेटा कितना आ गया 6 माइनस ए इक्वल टू, ए कितना आ गया ए इक्वल टू 6 आ गया, ओके बेटा ए इक्वल टू 6 आ गया। बेटा इस पर आओ x प्लस थ्री, बेटा आपका देखो इसका फैक्टर भी होगा, तो बेटा आप क्या बोल दोगे, आप ये बोल दोगे कि x प्लस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ, बेटा किसका फैक्टर किसका होगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b का होगा बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b, तो इसमें x इक्वल टू माइनस थ्री पुट कर दो, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 ये आपका हो गया माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0, बेटा सॉल्व कर दें, ये कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 कितना 18, ये आपका हो गया माइनस 9 प्लस b इक्वल टू 0, तो बेटा कितना आ जाएगा b इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस 9 आ जाएगा। बेटा आपसे पूछा है a प्लस b, तो बेटा कितना हो जाएगा 6 माइनस 9 कितना आएगा बेटा माइनस 3 आ जाएगा। अब समझ में आएगा बेटा क्या सॉल्व हुआ, अब समझ में आएगा, yes. ठीक है, तो बस बेटा सॉल्व हो जाएगा, सबको समझ में आया बेटा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे हैं ना बेटा, कोई प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब इसके अपन कल अपने इसकी लास्ट क्लास होगी और परसों बेटा अपन इसकी शीट